एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस लाइन तिराहा, दिग्विजयनाथ महाविद्यालय तिराहा, सिटी मॉल तिराहा, आरटीओ तिराहा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि स्कूली बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिगत जो बच्चे व्यक्तिगत रूप से अपने वाहन से स्कूल आते हैं और जो बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना जीएल एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हैं, उसको देखते हुए स्कूली छात्रों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 600 वाहनों का चालान किया गया तथा सभी बच्चों को हिदायत दिया गया कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अवश्य पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अक्सर ये देखा गया है कि टीनेजर्स बच्चे, स्कूली बच्चे जो कि स्कूल के लिए बिना लाइसेंस के और बिना हेलमेट के जाते हैं, जिससे कि दुर्घटना होने का और ज़्यादा खतरा रहता है, और बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के बच्चों को बिल्कुल वाहन नहीं चलाना चाहिए। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बारे में उनके अभिभावकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया करके बच्चों की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। इस अभियान के दौरान आज वाहन चेकिंग में करीब 600 से अधिक वाहनों का चालान हुआ है। अभी डेटा अपडेट किया जा रहा है, लेटेस्ट रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि बच्चे जब स्कूल के लिए जाएं तो टीनेजर बच्चों के लिए बिना लाइसेंस या बिना हेलमेट के बिल्कुल घर से ना जाने दें। थैंक यू।